गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे पोएट्री, और पोएट्री में पहला लेसन हमने आपको पढ़ाया था द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, ठीक है। आज उसके हम आपको पैसेज पढ़ाएंगे, और बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, एग्जाम में पोएम आएगी और इसके पैसेज के आपको आंसर देने होंगे, यानी कि इसमें जो आप क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसी के आंसर देने होंगे, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसे आप सही ढंग से पढ़ें। एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे इस पोएम को। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, एक बार पर्वत में और गिलहरी में झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लिटिल पिग, पर्वत ने गिलहरी से कहा कि तुम एक तुच्छ प्राणी हो, यानी कि छोटे जीव हो। वन रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, हाँ निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, जब छोटी छोटी वस्तुएं जब मिल जाती हैं तो एक मौसम का निर्माण होता है। टू मेक अप ईयर, तब एक वर्ष बनता है। एंड ए स्पीयर, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। इन्होंने क्या कहा कि यह ब्रह्मांड, ये जो संसार है, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मैं ये तो बहुत, इसमें बहुत शर्म की बात है कि टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ग्रहण करना कि आई एम नॉट सो लार्ज एस यू, मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ। गिलहरी ने किससे कहा, पर्वत से, कि मैं तुम्हारे जैसी जितनी बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज यू, लेकिन तुम मेरे जितने छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ टू स्प्रे, तुम मेरे जितने आधे फुर्तीले भी नहीं हो। आई वेल नॉट डेनी यू मेक, मैं नहीं बना सकती ये प्रेटी, वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, जो तुम बना सकते हो क्या, एक सुंदर मार्ग, एक सुंदर रास्ता बना सकते हो। टैलेंट डिफर, सभी में जो योग्यताएं होती हैं वे अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती तो नेदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसलिए कभी भी छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए, है ना। सभी वस्तुएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और सभी वस्तुएं छोटी छोटी मिलकर बहुत बड़ी वस्तु का आकार बनाती हैं। तो ये थी आपकी पोएम जो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा दी थी। आज इसको आज हम आपको इसके पैराग्राफ बताएंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ यहाँ पर चालू होता है आपका, लिखेंगे पैसेज ऑफ द पोयम, पैसेज ऑफ द पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसके राइटर है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन, ठीक है। पैसेज ऑफ द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, इसके राइटर कौन है, राइटर है कि पोएट है, पोएट है, पोएट भाई राल्फ वाल्डो इमर्सन। देखिए अब शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले यहाँ पर पहला आपका चालू हो रहा है द माउंटेन, द माउंटेन एंड डॉट डॉट एंड स्पीयर, देखिए शांत रहिए पहले। द माउंटेन एंड द स्पीयर, यानी कि जो फोर लाइंस आपको दी गई है यहाँ पर, कभी अपनी बुक में देखेंगे,
उसी के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, पूछेगा पहला देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है राइट द नेम, नोट करते जाएं, राइट द नेम ऑफ द पोयम, राइट द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम विच, फ्रॉम विच द एवर, फ्रॉम विच द एवर स्टैंजा स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड, being selected who is the poet, who is the poet of the poem, देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द पोयम, लिखो कविता का नाम फ्रॉम विच एवर स्टैंजा जो इसमें लाइनें दी गई हैं, हैज बीन सिलेक्टेड हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, और उस कवि का भी नाम लिखो जिसने ये कविता को सिलेक्ट किया यानी कि लिखा है। तो सबसे पहले ऊपर ये आपका दिखाई दे रहा है तो आपका जो आंसर शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, द पोएम फ्रॉम द एवर स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द माउंटेन एंड द स्केरल पोएट बाई रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। आपका हो गया आंसर, इस तरीके से इसका आंसर हमें देना है, ठीक सभी को आ गया समझ में। इसमें पूछा गया है इस कविता का नाम बताओ तथा इस कविता के कवि का नाम बताओ, तो कविता का नाम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल है और कवि का नाम राल्फ वाल्डो इमर्सन है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड, विच वर्ड्स राइम, विच वर्ड्स राइम विथ ईच अदर, ईच अदर इन द एवर लाइन्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है विच वर्ड्स, कौन सा शब्द, इसके माने जानते हैं क्या होता है, इसके माने होता है लय, लयबद्ध शब्द। तो विच वर्ड्स राइम विथ ईच अदर इन द एवर लाइन्स, यहाँ पर जो लाइन्स दी गई हैं उसमें कौन से शब्द लयबद्ध हैं। तो देखिए लयबद्ध का मतलब, देखिए आप जैसे हिंदी में दोहा पढ़ा आपने, कोई भी दोहा है जैसे, तो पीछे क्या आता है, जैसे हार आया तो पीछे पार आया है ना, जैसे किया तो पीछे आ गया दिया, तो दोनों शब्द कैसे हो गए, लयबद्ध हो गए। इसी प्रकार से ऐसे ही पोयम में भी आपका दिया रहता है, जैसे यहाँ पर दिया है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, तो आप सबसे पहले क्या डालेंगे, राइम शब्द, राइम वर्ड, और यहाँ पर दिया क्या है स्क्वायरल और क्वेरल, इसके डैश लगा के आप लिख देंगे क्वेरल, मिल गया, ये है लयबद्ध शब्द स्क्वेरल क्वेरल। दूसरा देखेंगे, एंड द फार्मर गॉट द लिटिल पिग, नहीं है। वन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी बिग, नहीं है। व्हाट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर ऑट टुगेदर है, दूसरा शब्द क्या है, वेदर टुगेदर, और तीसरा शब्द क्या है, ईयर स्पीयर। तो देखिए जितनी भी आपकी लाइंस में इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये आंसर हो गया आपका। तो जितनी भी इसमें दी गई थी लाइंस में जितने भी लेवल शब्द है उनको बताना है, तो आपके तीन शब्द आ गए, स्पायरल करेंट वेदर टुगेदर ईयर स्पीयर। समझ में आ गया सभी को, नोट करिए, नहीं आया।
जैसे हिंदी में दोहे पढ़ते हैं, कौन सा दोहा बताओ, कोई एक दोहा भी नहीं आ रहा। रहमन पानी राखिए और बिन पानी सब सुन, पानी गए मोती मानस चून। तो देखिए सुन और लास्ट में क्या आया, चून। ऐसी आपकी जो लाइंस थी, तो पहली लाइंस में क्या आया, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। तो माउंटेन एंड द स्क्वायरल आया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या आ गया, क्वायरल। तो स्क्वायरल को हमने क्वायरल दोनों में मिल रहे, क्वायरल क्वायरल दोनों मिल रहे, सब दोनों में लय निकल रही, लय आएगी। तीसरे में वेदर टुगेदर, पीछे में रा रा निकल रहा है, निकल रहा है। वेदर दर टुगेदर दर निकल रहा है, मुझे हिंदी जैसा पढ़ाने लगे। ईयर स्पीयर ईयर ईयर आ रहा है लास्ट पे, अब समझ में आ गया। तो दोनों में जिसमें लय व शब्द हो वही हमारे राइमिंग वर्ड होते हैं। आ गया समझ में। सभी नोट कर लिया, करिए जल्दी। तो देखिए ये समझ में सभी को आ गया होगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द माउंटेन प्राउड ऑफ। देखो इसमें इसने क्या पूछा कि पर्वत को क्या घमंड है। हाँ पर्वत को क्या घमंड है, पर्वत को यह घमंड है कि वह क्या है, वह बड़ा है, उसे अपने आप में बड़े होने का घमंड है ना। जैसे सीनियर क्लास को भी हो जाता है, तुमसे सीनियर है, जूनियर वालों को अलकाने लगते हैं। जूनियर क्या कहते हैं, तुम चिंता नहीं करो अगले साल हम भी सीनियर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर, व्हाट डज द स्पाइरल से टू द माउंटेन। व्हाट डज द स्क्वायरल से टू द माउंटेन, यानी कि गिलहरी ने पर्वत से क्या कहा, बता तो दिया, लिख के नहीं बताया आपको, बता दिया आप, लिखिए अपना। व्हाट इज द माउंटेन प्राउड ऑफ, द माउंटेन प्राउड ऑफ ऑफ विग, ठीक है, बड़े होने का घमंड है। फिर व्हाट इज द स्क्वायरल से टू द माउंटेन, गिलहरी ने पर्वत से क्या कहा, क्या कहा था, हाँ निसंदेह तुम बड़े हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्क्वायरल से टू द माउंटेन, ऐसे बनेगा यहाँ से, द स्क्वायरल से टू द माउंटेन, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, व्हाट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ए ईयर। हाँ इतना सारा पूरा तो आंसर दोगी उसको, थोड़ा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं देखना है, हमें उसका आंसर पूरा देना है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं संदेह तुम बहुत बड़े हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें मिलकर, छोटी ऋतुएं मिलकर एक बड़ा मौसम बनाती है, जिससे एक पूरा वर्ष बनता है ना। इसमें आप अपना दूसरा आंसर भी दे सकते हो कि छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज का निर्माण करती है, ये भी का इसका मतलब है, एक एक, एक कोशिका मिलकर एक बड़े अंगतंत्र का निर्माण करती है, करती है, एक कोशिका मिलकर एक शरीर बनता है, बहुत सारी जब कोशिकाएं मिल जाती है, समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे अगला पैराग्राफ,
अगला पैराग्राफ देखेंगे, नंबर टू, एंड आई थिंक इट डॉट डॉट हाफ टू स्प्रे। पहला देखेंगे, व्हाई डज द स्क्विरल फील नो डिस्ग्रेस। With each other in the above stanza. Number three, what does you stand for? देखिए, थ्री क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डज द स्क्विरल फील नो डिस्ग्रेस। क्या पूछा गया है कि ये गिलहरी के लिए शर्म की बात क्यों है, क्यों महसूस करती है कि ये शर्म की बात है, क्योंकि वह उतनी जितनी बड़ी नहीं है। दिस वर्ड्स राइम, इसमें कौन कौन से शब्द राइम राइमिंग वर्ड है? ईच अदर इन द अबव स्टैंजा लाइन में बताने हैं उनको आपको। What does you stand for? इसमें जो you आया है वह किसके लिए आया है? माउंटेन के लिए आया। तो इसमें जो you का प्रयोग हुआ है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? पर्वत के लिए प्रयोग हुआ है, माउंटेन के लिए हुआ है। नोट करिए इसे, आपको घर से करके लाने हैं। कर लीजिए इसे। किसकी है?